हेलो स्टूडेंट्स, श्री श्रेयस स्कूल पहाड़िया ज्योति इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 1 टू बी स्टेट्स, जिसमें स्टूडेंट्स हमने जो है कन्नौज स्टेट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने किंग हर्षवर्धन के बारे में देखा एंड उसके बाद में नालंदा यूनिवर्सिटी एंड उसके बाद में देखा कि किंग हर्षवर्धन के रिंग जो था उसमें लोग किस तरह से जीवन जीते थे। एंड उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक में ह्यूएन सांग के बारे में देखा था कि यह जो थे यह चाइनीज ट्रैवलर इंडिया में आए थे एंड 5 ईयर्स तक नालंदा में रहकर उन्होंने बुद्धिज़्म पर स्टडी की थी एंड कुछ यह जो है उन्होंने पॉइंट्स यहाँ पे बताए थे जो हमने देखा था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जो है टू बिग स्टेट्स में फर्स्ट स्टेट जो कन्नौज है उसके बारे में देखा था। अब हम यहाँ पर जो है सेकेंड स्टेट वातापी के बारे में जानेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो किंग हर्षवर्धन है उन्होंने कई सारे युद्ध किए थे एंड उन्होंने काफ़ी सारे स्टेट्स जीते थे, लेकिन जब वे पुलकेशी सेकेंड के साथ युद्ध करते हैं तब वे हार जाते हैं। तब हम उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। व्हेन किंग हर्ष वॉज रूलिंग ओवर हिज एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, किंग पुलकेशी सेकेंड वॉज रूलिंग इन साउथ इंडिया, ही हैड अर्लियर डिफीटेड हर्ष। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जब नॉर्थ इंडिया में यानी उत्तर भारत में किंग हर्षवर्धन रूलिंग यानी शासन कर रहे थे, उसी समय में साउथ इंडिया जो है यानी कि दक्षिण भारत में पुलकेशी सेकेंड जो है वे रूलिंग यानी शासन कर रहे थे, जिसके सामने युद्ध में किंग हर्षवर्धन हार गए थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें बताया है कि जिस तरह से हर्ष जो है वह एक महान राजा की तरह जाने जाते हैं जो नॉर्थ इंडिया में उस समय में रूलिंग कर रहे थे, उसी तरह से साउथ इंडिया में पुलकेशी सेकेंड जो है वह रूलिंग कर रहे थे एंड जो किंग हर्षवर्धन है वे यहाँ पे जो है पुलकेशी सेकेंड के साथ युद्ध करते समय हार जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पुलकेशी सेकेंड की जो है पिक्चर्स बताई गई है। रूट टू द थ्रोन, तो यहाँ पे हमें बताया है कि पुलकेशी सेकेंड जो है उनका यहाँ पे राजा बनने तक का जो सफ़र था वह किस तरह से था। द किंग्स ऑफ द चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी एस्टैब्लिश ए वास्ट एम्पायर इन साउथ इंडिया विच दे रूल फ्रॉम देयर कैपिटल एट वातापी बादामी कर्नाटक। तो यहाँ पे बताया है कि चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी यानी कि चालुक्य सोलंकी वंश के जो किंग थे जिन्होंने यहाँ पे वातापी को कैपिटल बनाकर बादामी कर्नाटक में जो है अपने चालुक्य वंश का यहाँ पे जो है शासन चला रहे थे। पुलकेशी वन ए ग्रेट किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी परफॉर्म द अश्वमेघ यज्ञ। तो यहाँ पे बताया है कि पुलकेशी फर्स्ट जो थे वे चालुक्य वंश के एक ग्रेट किंग यानी महान राजा माने जाते थे और उन्होंने यहाँ पे अश्वमेघ यज्ञ किया था। हिज फ्लैग हैड द सिंबल ऑफ वरावतार एंड उनके जो फ्लैग है उनके फ्लैग में हमें वरावतार का सिंबल देखने को मिलता है। हिज सन कीर्ति वर्मा असेंडेड द थ्रोन आफ्टर हिम। तो यहाँ पे बताया है कि जो पुलकेशी फर्स्ट थे उनके बाद में उनके जो सन थे कीर्ति वर्मा उन्होंने अब यहाँ की राजगति को संभाला था। ही वॉज सक्सेड बाय हिज ब्रदर मंगलेश हु बिल्ट द ग्रैंड विष्णु टेम्पल एट वातापी। तो यहाँ पे बताया है कि कीर्ति वर्मा के बाद में जो उनके भाई मंगलेश थे उन्होंने वातापी की राजगति को संभाला एंड उन्होंने यहाँ पे एक ग्रैंड विष्णु टेम्पल जो है वह बनवाया था। आफ्टर हिम द राइटर्स पुलकेशी सेकेंड बिकेम किंग एंड रूल्ड ओवर द एम्पायर फॉर अबाउट 30 ईयर्स। तो यहाँ पे बताया है कि मंगलेश जो है वह राजा बने, उनके बाद में पुलकेशी सेकेंड जो है वह किंग बने एंड उन्होंने 30 ईयर्स तक यहाँ पे रूल किया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें पुलकेशी सेकेंड के बारे में बताया कि वे किस तरह से किंग बने। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इतना देखा जिसमें हमने देखा कि जैसे कि नॉर्थ इंडिया में किंग हर्षवर्धन जो है उनका रूलिंग चल रहा था, उसी तरह से साउथ इंडिया में पुलकेशी सेकेंड का रूलिंग चल रहा था जिसके सामने जो है किंग हर्षवर्धन हार गए थे। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमने देखा कि
चालुक्य वंश जो है उन्होंने साउथ इंडिया में कैपिटल जो है वातापी बनाकर बादामी कर्नाटक को है वह अपने वंश का जो है शासन चला रहे थे। उसके बाद में यहाँ पे हमने देखा कि चालुक्य डायनेस्टी के जो पुलकेशी फर्स्ट थे वे ग्रेट किंग की तरह माने जाते थे और उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया था एंड उनके सिंबल उनके हमें फ्लैग में जो है वरा अवतार का सिंबल देखने को मिलता है। उसके बाद में हमने देखा कि पुलकेशी फर्स्ट के बाद उनके जो सन थे कीर्ति वर्मा उन्होंने वातापी की राजगद्दी को संभाला एंड उसके बाद में जो मंगलेश है वह वातापी के किंग बने एंड उन्होंने यहाँ पे एक विष्णु टेम्पल बनवाया था। उसके बाद हमने देखा कि जो है आफ्टर उनके बाद में पुलकेशी सेकेंड जो है वे यहाँ पे किंग बने एंड उन्होंने 30 ईयर्स तक यहाँ पे रूल किया। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे इतना देखा। पुलकेशी सेकेंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू सो मच।